नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीलाई मीडिया में आपका स्वागत है। फाजिलका में कैप्टन सरकार के खिलाफ आज अकाली भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हल्ला बोला गया। फाजिलका में अकाली भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीसी कॉम्प्लेक्स के सामने धरना देकर विश्वासघात दिवस मनाया। अकाली भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि कैप्टन सरकार ने पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया है, झूठे वादे करके कैप्टन सरकार सत्ता में आई जिन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रधान सुबोध वर्मा, नगर कौंसिल के प्रधान राकेश धूड़िया, गुरप्रीत सिंह लवली काटपाल, बीबी राजदीप कौर, नरेंद्र सवना, सवी काटपाल, विनोद शर्मा, आत्मा राम कंबोज, अश्विनी फुटेला, रमेश कटारिया, संदीप चलाना, डॉक्टर राकेश गुप्ता, सुमन जैन, कमलेश जुग सहित बड़ी संख्या में अकाली भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, विश्वासघात दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। इस मौके पर अकाली भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैप्टन सरकार को जमकर कोसा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज आप इतने सारे कांग्रेस सरकार वालों पंजाब के लोगों किते विश्वासघात के संबंध विश्वासघात दिवस मनाने इकत्र होए हैं। वीरो कैप्टन साहब ने पंजाब के लोगों का विश्वासघात किया ही किया है, पर उन्होंने सब तो वाला जरा गुरु महाराज का जरा विश्वासघात किया है। उन्होंने गुटका साहब का सहारा लैके पंजाब दे विच झूठी कांग्रेस सरकार बनाई, गुरु महाराज के घर च देर अंधेर नहीं, तो यह जरा खमियाजा कैप्टन साहब नूं आने वाले दिन भुगतना पवेगा। मैं कैप्टन साहब नूं बेनती करदा कि आप तुरंत गुरु महाराज के अगे पेश हो के आप ही जड़ी गुटका साहब का तुम सहारा लिया है, यह झूठी सोह भी तुसी माफी मंगो, पंजाब के लोगों जड़े तुम वादे किए ने तो पूरे करो। मैं इन्नी बेनती करता हुआ दास की मवाजाट का वाहेगुरु जी का खालसा देखे किस तरह से फाजिलका में अकाली भाजपा कार्यकर्ता कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि कैप्टन सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, झूठे सगजबाज दिखाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करके कैप्टन सरकार सत्ता में आ गई है। अब कैप्टन सरकार अपने वादे से मुकर रही है, लोगों को दिखाए गए सपनों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसके चलते उनके द्वारा आज यह रोष प्रदर्शन किया जा रहा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे तो पहला सारे बुलारे ने बड़े विस्तार नाल बड़े तथ्यों नाल ये दस्या है कि इन दो साल से की कुछ पंजाब सरकार ने किया। अज सानू विश्वास का दिवस मनाने की लोड़ क्यों पई, ये डिटेल से सारे दस चुके हैं। मैं दोबारा भी गल रिपीट नहीं करना चाहता, बस ये चाहना भाई आप पहला अपने जो अपने लीडर सारे अपने वर्कर बैठे हैं पार्टियां दे अपने मन से सोचिए, दो साल पहला यही पंजाब सी, यही पंजाब की जनता सी, यही पंजाब का बजट सीगा, यही टैक्स लग रहे थे, हम उल्टा बढ़ गए, की फर्क पिया। कदे नहीं क्या बाबू साहब होर ने, कदे अकाली बीजेपी सरकार ने भी क्या पैसे की काट है, कदे शगन की कमी नहीं आन दिती, कदे आटे दाल की कमी नहीं आन दिती, कदे कोई होर दिक्कत नहीं आन दिती, कदे नहीं दिती संकट आया, कदे तनखावां नहीं रुकिया, की होया की फिर होया की लीडरशिप बदल गई। लीडरशिप बदलन नाल ही जो सोने तो पैसा आंदा सी, जिन्होंने टिहो साहब होर ने कहा इकनोमिक का स्टैंड बड़ा वधिया है, पैसा जनरेट करना है तो उन्होंने खर्च करना है, ध्यान उस पास हट गया। कांग्रेस का कल्चर है लोगों के खिलाफ चलन का, लोगों नाल विश्वासघात करन दा, जदों दी यह पार्टी पैदा हुई है 1947 तो बाद इहदा कल्चर रहा है। बहुत ज्यादा पिछले इतिहास से कहोगे तो टाइम बड़ा लग जाएगा। जवाहरलाल नेहरू उन्होंने टाइम को लेके अज तक, सोनिया गांधी राहुल गांधी तक, इन्होंने खून च इन्होंने कल्चर च शामिल है कि लोगों नाल धोखेधड़ी करनी, विश्वासघात करना, ऐश प्रस्ती करनी, लोगों को मुर्ख बना के वोटा लेनिया, तो उस तो बाद खजाना खाली का राज अपना देना। हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश इतने इलेक्शन हुई थी, इतने भी आई
सुखेल लारे सुखे भाषणबाजी करके वोटा लिया हले दो ढाई तीन महीने नहीं दिते जाके हाल वेख लो उठे किसान रोंदा है कामा रोंदा है व्यापारी रोंदा पे है क्यों विश्वास घात इन्हों के खून के इन्हों के डीएनए च है इसलिए इस गल अपने मन से पक्की है जनता के मन से पक्का करिए तास भी विश्वास घात दिवस है जेड़ा कि हम इलेक्शन आने जा रहे 19 मई में सही क्या गुड़िया साहब ने असली से असि दिखाना इन्होंने आपका सबक सिखाना है तो 19 मई में वोटा च सबक सिखाइए इन्होंने इन्हों विश्वास घात का जरा असली जो रिजल्ट दईए असि इन्होंने तो याद रखिए उन्होंने कई असि एक दिन घरे ना बैठिए सरकार के जेड़े की झूठे वादे ने उन्होंने जनता से लगाइए बादल साहब की सरकार वेले अकाली बीजे की सरकार वेले किते कमां नूं लोकां नूं याद कराइए मोदी साहब की स्कीमां ने लोगों नूं दोबारा याद कराइए कोई इहो जिहा काम नहीं जिस करके आपां नूं नमोशी का सामना करना पवे सिर्फ इक्को जी दी कार्ड है साडे तगड़े होण दी असि तगड़े होने लगांगे विश्वास कर दिवस सही अर्थ सार्थक होगा तो मैं तुम सब अपील करता अकाली बीजेपी दोनों मिलकर जो आप लगेंगे दुनिया की कोई ताकत नहीं जी मुड़ इस एमपी इलेक्शन च मोदी सरकार आने रोक सके दोबारा पंजाब च अकाली दल बीजेपी सरकार तो आने को रोक सके साडा इकट्ठा जरूरी है असं इतने इकट्ठे हो गए तो हम बहुत जल्दी इनका रिजल्ट जरा थोड़े सब के सामने होगा बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास घाती धरने के मेरे कलीग बोल वर्मा जी प्रधान बीजेपी जिला फाजिलका म्यूनसपैलिटी के प्रधान साहब बीबा राजदीप कौर जी हीरा जी श्रोमणी अकाली दल के बहुत ही सीनियर बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर साहबान इलाके फाजिलका के वीरो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहला बेनती करना कि जिन्हें इतों सज्जन आए इतों जाने की फैसल ना करो आप इतों उठ के चौक तक जाना सारे ने हौली हौली तुम जेड़ा अपना इकट्ठ है इस इसे तरह बरकरार रखो सारे मेरी जिले प्रधान वालों हदायत है सारे वास्तव जिथे इतने आए हैं इतने इकट्ठे होकर आप चलोंगे अज का रोस धरना जोड़ा है कैप्टन सरकार अज 16 तरीक न 2 साल हो गए बनी 2 साल सारे इतने बुलारिया ने दसिया और साले आप हड बीती बताई है कि उन्होंने नकम्मी सरकार ने कुछ नहीं किया हम अपने इलेक्शन आने वाले ने आप जे इन्हों के अगेंस्ट लोगों प्रेर के जनता प्रेर के जे इन्हों वोटा पवा के सारा हरा सकते हैं कांग्रेस सरकार तो फिर तो आप समझते हैं कि साढ़े ना ज्यादती करती है तो जे आप सहमत हो जाएंगे तो फिर तो जो मर्जी गांह भी 3 साल करूगी आप सारे प्रचार करके अपने लीडर जड़े बड़े तगड़े हौसले न लगे है इतने कि इस तरह आप कामयाब होना आप सीट है जी भी बीजेपी अकाली श्रोमणी दल जिनी भी जगह कैंडीडेट आवे वो सपोर्ट करके आप घर घर जाके और पूरी मेहनत के नाल आप सीटा जिताई है और साड़ी मोदी जी नू दोबारा फिर आप प्रधानमंत्री बनाना है तो जेडे 2 साल दिन बीत चुके हैं उन्होंने वापस फिर लेके आना है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।